दोस्तों, इंसान खता और किसी हाल से मुरक्कब है। कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता तो उससे कोई गलती नहीं हो सकती, उसके लिए गुनाह का कसूर नहीं हो सकता। अंबिया इकराम के सिवा कोई इंसान मासूम नहीं। गलतियाँ चूक गुनाह अनेक से हो सकती है और हो जाती है। गुनाह हो जाना हैरत अंगेज नहीं, लेकिन गुनाहों पर इसरार और गुनाह पर खड़े रहना हैरत अंगेज भी है और बहुत बड़ी मासूमियत भी। इंसान से जुड़ी कोई गुनाह हो और गुनाह का इत्तेफाक ना करने का हैरत करे। तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है, अनारा से पाल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु बनी आदम खत्ता और वसायुल खत्ता इन तौबा हु। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर इंसान खताकार है और सबसे अच्छे खताकार वो लोग हैं जो तौबा करने वाले हैं। कुरान करीम की 28वीं पारे की सूरह तहरीम में आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा अता रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। ए ईमान वालों, अल्लाह से खालिस तौबा करो, उम्मीद है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा और तुम्हें ऐसे बागों में दाखिल करेगा कि जिसके नीचे नहरें जारी है। जब बंदा कोई गुनाह कर ले और उसका एतराफ करते हुए तौबा इस्तग़फ़ार करे तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाता है। और किसी भी बंदे के लिए ये बहुत ही सआदत और एक बख्शी है तो उसके नामाए अमाल में ज्यादा से ज्यादा तौबा इस्तग़फ़ार हो। मोहतरम हज़रात, तौबा के बाद फिर वही गुनाह हो जाए तो फिर तौबा करना चाहिए, बार बार गुनाह हो जाए तो बार बार तौबा करना चाहिए और कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि तौबा करता हूँ फिर गुनाह कर बैठता हूँ, अब अल्लाह ताला जैसे माफ करेगा, ऐसा सोचना हराम है। अल्लाह की रहमत से मायूसी कुफ्र है। मैं अपनी तफ़सीर शेर के साथ खत्म करता हूँ। खुदा वो दर्द मोहब्बत हरेक को बख्शे, खुदा वो दर्द मोहब्बत हरेक को बख्शे, जिसमें रूह की तस्कीन पाई जाती है। वहां सुनकर हमारे अलहमदुलिल्लाह।